कोरोना वायरस की दहशत वैसे तो पूरी दुनिया में है, लेकिन जब बात बच्चों की आती है तो माता पिता की चिंता कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए इस रिपोर्ट में कि आखिर बच्चों में कोरोना वायरस के लक्षणों का पता कैसे करें। कोरोना वायरस का कहर विश्व भर में फैलता ही जा रहा है। चीन से निकलकर इस वायरस ने पूरी दुनिया में जमकर कहर बरपाया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना वायरस अगर बच्चों को हो गया तो उसका पता कैसे चलेगा। बच्चों में कोरोना वायरस का संक्रमण होने पर डायरिया के साथ बुखार आ सकता है। चीन के बच्चों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, ये दावा चीन में शोध कर रहे बाल रोग विशेषज्ञों ने अपनी रिसर्च में किया है। फ्रंटियर्स इन पीडियाट्रिक्स जर्नल में प्रकाशित शोध के मुताबिक अगर बच्चों में उकाई और डायरिया के लक्षण दिख रहे हैं तो अलर्ट होने की जरूरत है। कुछ समय पहले वयस्कों में भी ऐसे ही लक्षण नजर आ रहे थे। चीन से मिले आंकड़ों के अनुसार 50% कोरोना मरीजों में पेट में दर्द, उल्टी और डायरिया जैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे। रिसर्च वुहान के टोंगजी हॉस्पिटल में की गई है। शोधकर्ता और बाल रोग विभाग के हेड डॉक्टर वेनबिन ली का कहना है कि ज्यादातर बच्चे कोरोना के गंभीर मरीज नहीं हैं, कुछ ही मामले गंभीर हैं। चीन में जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें बच्चों को पेट से जुड़ी दिक्कतें हो रही हैं। अगर बच्चा पहले कभी बीमार रहा है और अब उसे बुखार आ रहा है तो जाँच की जरूरत है। शोधकर्ता के मुताबिक कोरोना आंतों तक भी पहुंच सकता है। वुहान के टोंगजी हॉस्पिटल में पहुंच रहे संक्रमित बच्चों में नॉन रेस्पिरेटरी लक्षण नजर आ रहे हैं, यानी सांस से जुड़ी कोई समस्या नहीं सामने आ रही है। हालांकि बाद में इन्हें निमोनिया हुआ और फिर कोविड-19 की पुष्टि हुई। शोधकर्ताओं के मुताबिक इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हुए बच्चों में पहले से पेट संबंधी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन बाद में एक बात कॉमन निकली। जब उनका सीटी स्कैन किया गया तो सभी में निमोनिया की पुष्टि हुई, लेकिन कुछ समय बाद इनके शरीर में कोविड-19 वायरस का भी पता चला। अस्पताल में जुड़े हर 5 में से 4 में पेट से जुड़ी समस्या के लक्षण दिखे। कोरोना वायरस न जाने कितनी जिंदगियों को निगल चुका है। हालांकि बहुत लोग इस वायरस से जंग भी जीत कर लौटे हैं। इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि एहतियात बरत कर इसे बचने की जरूरत है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।